हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जेडब्ल्यू एडवांस 2024 को लेकर। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जेडब्ल्यू एडवांस 2024 का जो ब्रोशर है वो ऑलरेडी आउट कर दिया गया है। 100+ पेजेस का जो ब्रोशर है उन्होंने अपलोड किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ब्रोशर के अंदर उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग को जो है क्लियर कर दिया कि क्या इस साल नई नई कंडीशन जो है वो रहने वाली है, कौन कौन सी कंडीशन आपको फॉलो करनी है, क्या आपकी फीस रहने वाली है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपकी एग्जाम डेट होने वाली है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, कितनी आपको फी पेमेंट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अपने ब्रोशर के अंदर जो है वो बता दी गई है। तो 100+ पेजेस का ब्रोशर अगर आप चाहते हो तो वो जो ब्रोशर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हो, सबसे टॉप पे ही आपको मिल जाएगा। अदरवाइज वो ब्रोशर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उसमें से जो जो मेन कंडीशन आपको समझनी है और मेन मेन कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ईच एंड एवरीथिंग आज आपका भाई आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला है, जिसके अंदर से मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पे लिख भी रखी है। पहले आप ये कंडीशन समझो, इसके बाद मैं आपको कुछ नेक्स्ट कंडीशंस के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर वाली हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 जो उस ब्रोशर के अंदर आई है सामने, कि 250 यानी कि कहने का मतलब 2.5 लाख 2,50,000 जो है कैंडिडेट्स है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी, सारे के सारे कैटेगरीज आफ्टर जेई मेन। ये ऑब्वियसली आपको पता ही होगा जो जेई एडवांस का एग्जाम होता है वो मेंस के बाद होता है, तो जो बच्चे मेंस क्लियर कर लेंगे तो मेंस क्लियर करने के बाद 2.5 लाख बच्चे जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जेई एडवांस के लिए, जिसमें आप बीटेक के लिए दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सारी कैटेगरी के आपके जो है कैंडिडेट्स होंगे इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज का उन्होंने हिंट भी दे रखा है कि कितनी कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो शॉर्टलिस्ट होंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जनरल ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो 10% होंगे, ओबीसी एनसीएल के 27% है, एससी एसटी के 15% है और एसटी के 7.5% है, 40% ओपन कैटेगरी के हैं और 5% जो बच्चे पीडब्ल्यूएस कैटेगरी से है उन सब बच्चों को जो इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे उन्होंने बताई गई थी ब्रोशर के अंदर। ये ब्रोशर के अंदर आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत लंबा प्रोसीजर लिखा है, तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है कि जो जो मेन अंडरलाइंस हेडलाइंस होने वाली है उन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ताकि आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ सको। तो उसके बाद कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न, जो आप बच्चे बॉर्न होने चाहिए वो ऑन या आफ्टर अक्टूबर 1999 यानी कि 1 अक्टूबर 1999 को बोर्न होने चाहिए या फिर आप उसके पहले के बोर्न होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जो है उन्होंने यहाँ पे लिख रखी है कंडीशन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट सेकंड नंबर। हाँ ये भी है कि 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है जो बच्चे एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के कैंडिडेट से होते हैं उनको 1 अक्टूबर 1994 कर दिया जाता है, जो बच्चे एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से होते हैं उनको 5 साल का जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अदरवाइज बाकी बच्चे जो हैं उनके जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 1999 को ऑन और आफ्टर। तो ये चीज कंडीशन थी कंडीशन नंबर 2। उसके बाद बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 3 के बारे में, अटेम्प्ट 2 टाइम्स मैक्सिमम इन कॉन्सिक्यूटिव ईयर। जैसे कि आपको पता होगा, मुझे लगता नहीं बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में शायद पता भी होगा, नहीं पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ। कंडीशन नंबर 3 क्या होती है कि जो बच्चे भी जेई एडवांस देना चाहते हैं वो लगातार 2 बार जेई एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में कर सकते हैं। कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है कि मान लो अभी जैसे आप 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे तो वो 2024 में दे सकते हैं, उसके बाद 2025 में दे सकते हैं, उनको सिर्फ 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, दोनों लगातार अटेम्प्ट दिए जाएंगे। और जो बच्चे पहले 2023 में दे चुके हैं उनका 1 अटेम्प्ट हो चुका है, अब वो 2024 में अपना 8वीं अटेम्प्ट जो है वो देंगे जेई एडवांस के लिए। तो कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है कि अगर आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट दे सकते हो और दोनों लगातार आपको अटेम्प्ट देंगे, बीच में आप गैप डाल के कोई भी अटेम्प्ट नहीं दे सकते। तो ये होता है कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का मतलब, और कंडीशन नंबर 3 ये थी। और कंडीशन नंबर 4 भी सेम ही है, यानी कि इसमें क्या लिखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता ही होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास कंपलसरी आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद लिखा है इन्होंने, कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉर आइदर 2023 और 2024। तो इसमें भी आपने वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम आपको जो है, अगर मान लो जो बच्चे 2023 में अटेम्प्ट कर चुके हैं या फिर 2024 में अटेम्प्ट मारने वाले हैं उनका भी कंबाइन ईयर के अंदर ही आप अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे पहले आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते। चलिए चलते हैं अब कंडीशन नंबर 5 की तरफ। कंडीशन नंबर 5 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस चीज को समझना। इसके अंदर क्या है, अर्लियर एडमिशन एट IITs, इसका क्या मतलब है, इन्होंने यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना कि मैंने क्या लिखा है और इन्होंने कंडीशंस के अंदर क्या लिखा है, ठीक है, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। पहले तो ये केस ड्रॉपर के लिए, अगर आप में से कोई ड्रॉपर है जो जेई एडवांस का पेपर देने वाला है, इफ यू ऑलरेडी टेक एडमिशन बट यू कांट ज्वाइन, अगर आप पिछले साल जोसा काउंसलिंग, आपको पता है ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होगा कि जो ड्रॉपर है उनको तो पता ही होगा जोसा काउंसलिंग होती है,
तो जोसर काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे, जितने बच्चे उन्होंने ड्रॉप पर अगर कोई किसी ने पार्टिसिपेट किया था, अगर किसी बच्चे को आईआईटी अलाउ हुआ था, ध्यान समझना, अगर किसी बच्चे को आईआईटी अलाउ हुआ था लेकिन उसे कोई दूसरी स्ट्रीम अलाउ हुई थी, या फिर उसने आईआईटी ज्वाइन करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद वो वहां पे नहीं गया कि आगे मैं आगे का प्रोसेस नहीं करूंगा, सिर्फ एडमिशन लेने के बाद उसने आईआईटी को छोड़ दिया, तो ऐसा अगर कोई बच्चा है तो वो जो बच्चा है जेईई एडवांस 2024 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ध्यान से अच्छे से समझ लो, कोई बच्चा अगर ऐसा है ड्रॉपर वाला बच्चा जिसने पिछले साल आईआईटी को ज्वाइन किया था, उसके अंदर एडमिशन ली थी, लेकिन एडमिशन लेने के बाद उसने आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं किया, फिर उसका मन बदल गया कि नहीं यार मैं ड्रॉप कर लेता हूं, या फिर किसी रीजन की वजह से वो एडमिशन लेने के बाद वहां पर नहीं जा सका अपना कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए, तो ऐसा जो बच्चा अगर कोई है वो जेईई 2024 एडवांस के अंदर एलिजिबल नहीं है। अनलेस, समझ लो पूरा प्रोसेस समझ लो, तब तक एलिजिबल नहीं है अगर आपने वो एडमिशन लेने के बाद अपनी सीट को विड्रॉ नहीं किया था। अगर आपने चुपचाप एडमिशन ली और चुपचाप आप अपने घर पे आके बैठ गए, उसके बाद आपने कोई विड्रॉ का फॉर्म फिल नहीं किया था, कोई विड्रॉ के बारे में नहीं बताया था, या फिर अगर आपने सीट अपनी कैंसिल नहीं करवाई थी, तो इस केस में अगर आपकी जो सीट है वो उस टाइम पे पेंडिंग रह गई थी और आपने कोई भी जो है विड्रॉ का फॉर्म नहीं फिल किया था, अपनी सीट कैंसिल के बारे में नहीं कुछ फॉर्म बताया था, कुछ भी नहीं किया था, तो इस केस में आप जेईई एडवांस 2024 के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे फ्रेश बच्चे हैं 2024 के अंदर जो फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आपको सीट विड्रॉ करनी है, अगर आपको सीट छोड़नी है, तो आपको जो है विड्रॉ का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कैंसिल का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जब आप जोसर काउंसलिंग करते हो, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि जोसर काउंसलिंग कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो जब काउंसलिंग होगी वो सब कुछ आप सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे गलती करनी है, कहां पे नहीं करनी, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब जो बच्चे ने ये गलती कर दी है वो अब एलिजिबल नहीं है अगर आपने वहां पे विड्रॉ के लिए नहीं बोला था और अगर आपने अपनी सीट कैंसिल नहीं करवाई थी। तो जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं 2024 के अंदर, तो भी उन बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी सीट छोड़ना चाहते हो तो आपको विड्रॉ का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपनी कैंसिल सीट के बारे में बताना पड़ेगा। चुपचाप अगर आप एडमिशन लेने के बाद वहां पे नहीं जाते हो, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करते हो, अगर आप एडमिशन ले चुके हो, तो इस केस में आप उससे नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल नहीं होगे जेईई एडवांस के अंदर। तो इस चीज का अपने माइंड के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, यू आर Not eligible for JEE Advanced, सिर्फ IITs में, आप IITs में अंदर eligible नहीं होंगे 2024 के अंदर अगर आपने जो है officially, अब अगर आपने officially withdraw नहीं किया था पिछले साल, तो unless withdraw before the seat allotment, आपको withdraw करना था, officially withdraw करना था, अगर आपने officially withdraw नहीं किया था तो आप eligible नहीं हो IITs के अंदर JEE Advanced के लिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास करके अब ध्यान रखना है, जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी बचती है वो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी दे रखी है, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि क्या रहने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको भी अच्छे से समझना, ये आपका सबसे ज्यादा मेन पॉइंट था, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, 75% एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स का बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, एग्रीगेट मार्क्स क्या, मतलब हमें 75% तो चाहिए, किसमें चाहिए, इन ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में आपके 75% जो मार्क्स कंपलसरी है, मिनिमम आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर PCM तीनों को मिलाकर 75% होने चाहिए, या फिजिक्स में अलग से 75%, केमिस्ट्री में अलग से, या फिर मैथ्स में अलग से। देखो बच्चे, इन्होंने साफ साफ इस कंडीशन के अंदर मेंशन कर दिया है, मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया है, इन फाइव सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया इन फाइव सब्जेक्ट। तो इन फाइव सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, PCM तीन सब्जेक्ट हो गए, एक आपका लिटरेचर सब्जेक्ट है और पांचवा आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, उन पांच सब्जेक्ट को मिलाकर, पांचों को मिलाकर, ध्यान से, उन पांचों को मिलाकर आपके 75% जब वो मार्क्स बनने चाहिए मिनिमम पांच सब्जेक्ट के, सेपरेट सेपरेट नहीं, पांचों को कंबाइन करके इन फाइव सब्जेक्ट, ठीक है। और 65% उन बच्चों के लिए जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए कितने मार्क्स चाहिए यहाँ पे 65%। और एक और यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, इस सारे इस चीज के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, एक होता है 20 percentile इन योर स्टेट बोर्ड और एनी बोर्ड, या भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने स्टेट बोर्ड से एग्जाम देते हैं, तो उन बोर्ड के अंदर क्या होता है कि अगर आप 20 percentile के अंदर भी आ जाते हो, 20 percentile, एक चीज का ध्यान रखना, दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, आप ऊपर वाली भी ले सकते हो, नीचे ब्लू वाली भी ले सकते हो, दोनों में से एक कंडीशन आपको पॉसिबल करनी पड़ेगी अगर आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना है। दूसरी कंडीशन क्या है वो समझ लो, 20 percentile इन योर स्टेट बोर्ड और एनी बोर्ड, जैसे मान लो
हर कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो अपना अपना स्टेट का एग्जाम कराती हैं, जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई तो ऑल ओवर अपने होता है, इंडिया में होता है, लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट्स के बोर्ड्स भी होते हैं हमारे पास, महाराष्ट्र बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड। तो अगर आप उन बोर्ड से क्लियर आउट हुए, अगर आपकी ट्वेल्थ वहां से हुई है, अगर आपने अपने स्टेट बोर्ड में थे या फिर किसी भी बोर्ड में थे, एनओयूएस से किसी में थे, तो जोसा क्या करता है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाता है, ट्वेल्थ का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, जोसा जो है एक लिस्ट जारी करता है। तो उस लिस्ट के अंदर लिखा होता है कि कौन से बच्चे जो वो 20% के अंदर आते हैं। 20% मतलब आपका, जैसे स्टेट, एक स्टेट अपनी एक अलग से लिस्ट जारी करता है कि ये हमारी स्टेट का बच्चा है, ये टॉप 20% के अंदर आ रहा है। तो अगर आप उस टॉप 20% के अंदर आ रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो, अगर उस 20% के अंदर नहीं भी आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वाली कंडीशन पूरी कर लो, फिर 5 सब्जेक्ट्स को मिलाकर सिर्फ आपके 75% जो मार्क्स 12th के अंदर बनने चाहिए। अगर आपके 75% नहीं बन रहे और अगर आप टॉप 20% में आ रहे हो तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आप 20% में नहीं आ रहे हो लेकिन आपके 75% मार्क्स बन रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हो। तो यू आर एलिजिबल इन बोथ केसेस में, आप एलिजिबल हो, चाहे आप ग्रीन वाली कंडीशन ले लो, चाहे आप ब्लू वाली कंडीशन ले लो, कोई भी एक कंडीशन आपको पूरी करनी है, चाहे आप टॉप 20% में आ जाओ, चाहे आप 75% वाला क्राइटेरिया पूरा कर लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यू आर इन टॉप 20%। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, अगर आप टॉप 20% के अंदर आते हो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड के अंदर एक लिस्ट होती है उस स्टेट के, तो उसमें बताया जाता है कि ये बच्चा टॉप 20% के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंपलसरी नहीं है कि आना ही आना है, लेकिन अगर आप आ जाते हो तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आप 75% वाला क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो ये थी इसकी, और ये सारा था आफ्टर 12th। तो ये सबसे ज्यादा मेन कंडीशन थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नोट के अंदर, इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। इस नोट के अंदर एक्चुअल में है क्या वो मैं समझो पहले। इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इश्यूड बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका ध्यान से मतलब समझो। जैसे आपने मान लो 2023 के अंदर आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, आप क्लियर आउट हो गए, लेकिन कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने 12th के एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं। ध्यान से समझना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं यार मेरा 60-70% बन रहा है, मैं कोई भी एक इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे लेता हूं। तो बहुत सारे बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि अगर आप ऐसा कोई एग्जाम देते हो, इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो, तो वो आपका इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम का सर्टिफिकेट बनेगा वो वही का बनना होना चाहिए जहां आपका सर्टिफिकेट आपका पहले का बना था। यानी कि कहने का क्या मतलब है, आपने 12th अब 2023 के अंदर की, 12th जो है आपने 2023 के अंदर से की सीबीएसई से, ठीक है, अब 2024 के अंदर मान लो आप कोई इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो, इंप्रूवमेंट का, ठीक है, या 2023 में ही देते हो जो अपना बाद में होता है, जून जुलाई में होता है, आपको पता ही होगा। तो अगर आपको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो, इंप्रूवमेंट का, ठीक है, तो वो अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले जो है सीबीएसई से कर लेते हैं, लेकिन जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम होता है वो किसी दूसरे बोर्ड से देने चले जाते हैं, जैसे एनआईओएस से देने चले गए या फिर किसी स्टेट बोर्ड से देने चले गए। तो यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट अलग से बनेगा, जो ऊपर वाला सर्टिफिकेट बना था वो अलग से बना था। तो 12th के आपके पास दो सर्टिफिकेट हो जाएंगे, एक इंप्रूवमेंट वाला, एक नॉन इंप्रूवमेंट वाला। तो इस केस में आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कंडीशन लिख दी है कि अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो आपको उसी बोर्ड से देना पड़ेगा जहां से आपने पहले एग्जाम दिया था। पहले मान लो अगर आपने सीबीएसई से एग्जाम दिया था तो इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम भी आपको सीबीएसई से ही देना पड़ेगा। आप किसी दूसरे बोर्ड से, एनओएस या स्टेट बोर्ड से जाके अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते और वहां का सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। दोनों का जो सर्टिफिकेट है वो सेम ही होना चाहिए। अगर ये सीबीएसई से है तो ये भी सीबीएसई से होना चाहिए, अगर ये स्टेट से है तो ये भी स्टेट से होना चाहिए। ये साफ साफ यहाँ पे इन्होंने कंडीशन में लिख रखा है, पढ़ लो। इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशूड, जो भी आपको मार्कशीट इशू की जाएगी, बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड, दोनों ही एग्जामिनेशन सेम बोर्ड की होनी चाहिए, अलग अलग बोर्ड की एग्जामिनेशन आपकी नहीं चलेगी। एंड मार्कशीट इज फ्रॉम सेपरेटेड बोर्ड, अगर दोनों की सेपरेट बोर्ड से हुई, ठीक है, तो बोर्ड्स आर परमिटेड, तो यार जो नॉट परमिटेड, तो आप परमिटेड नहीं होगे, आप जेईई एडवांस का पेपर नहीं दे सकते। तो ये इनकी साफ साफ एक मोस्ट कंपलसरी इंपॉर्टेंट जो है कंडीशन थी कि अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो आपको उसी बोर्ड से देना पड़ेगा जहां से आपने 12th के एग्जाम दिए थे। आप अलग अलग बोर्ड में जाकर ट्रांसफर होके अपना एग्जाम नहीं दे सकते, दोनों की अलग अलग मार्कशीट आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी और आप एलिजिबल नहीं हो। चलिए अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट को लेकर कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो कब से स्टार्ट होने वाली है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही होगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर ले, सबसे बिगिन यानी कि स्टार्ट होने जा रही है आपकी 21 अप्रैल 2024 से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी।
और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपकी क्लोज हो जाएगी वो हो जाएगी 30 अप्रैल 2024 को, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज कर दी जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको फी पेमेंट करने के लिए जो लास्ट टाइम दिया जाएगा वो होगा 6 मई 2024 का जो टाइम है वो दिया जाएगा एज पर ब्रोशर। ये अभी डेट दी गई है, मे भी थोड़ी बहुत डेट ऊपर नीचे भी अगर होती तो हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही डेट जो है उन्होंने बताई है। उसके बाद बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी की। रजिस्ट्रेशन फी आपकी जो स्टार्टिंग है वो 1600 रुपए है, बाकी पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगा, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे हमें पूरा ब्रोशर भी मिल जाएगा, आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो कि किसकी कितनी कितनी जो फी पेमेंट है वो रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड जो डाउनलोडिंग शेड्यूल है, एडमिट कार्ड डाउनलोड शेड्यूल आपका 17 मई 2024 से लेकर 26 मई के बीच में चलेगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका एग्जाम है वो कब होने वाला है, वो आपका एग्जाम जो है वो 26 मई को होने वाला है। दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, 26 मई को आपका एग्जाम होगा, दो शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट टू यानी कि इवनिंग की होती है। मॉर्निंग वाली शिफ्ट 9 से 12 चलती है और शिफ्ट टू नंबर टू जो इवनिंग है वो 2:30 से 5:30 यानी 2:30 से 5:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। उसके बाद रिजल्ट की डेट की बात करें तो रिजल्ट की डेट 9 जून 2024 को रहने वाली है। जेडब्ल्यू एडवांस 2024 का जो रिजल्ट है वो 9 जून को आने वाला है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इन डेट्स के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो आपका भाई डेफिनेटली आपको अपडेट कर देगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही डेट्स को मोटा मोटा उसके अंदर जो है वो मेंशन किया गया है। तो इसके अलावा और कोई भी अपडेट पाने के लिए, काउंसलिंग के अपडेट पाने के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, जोसा की हो, नीट की हो, ईच एंड एवरी अपडेट जो आपका भाई आपको अपडेट करेगा अपने इस चैनल के ऊपर जो कि आपका ही चैनल है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर तरह की आने वाली सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।